पहली जो मशीन है वो है चेस्ट विद लेट पुल डाउन हैमर। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है चेस्ट प्रेस हैमर। आजकल जिम में जो ट्रेंडिंग मशीन सबसे ज्यादा चल रही है वो है हैमर मशीन्स, यानी प्लेट लोडेड मशीन्स। अब इसके कुछ कारण है कि वो ज्यादा क्यों लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इसके बेसिकली तीन रीजन है, तीन कारण है। पहला कारण ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी पिन लोडेड मशीन से सस्ती होती है। दूसरा मेन कारण ये है कि वो मेंटेनेंस फ्री होता है, बहुत मिनिमम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। और तीसरा जो सबसे मेन कारण है वो होता है मूवमेंट का। मूवमेंट इसमें आइसोलेटरल होता है। बेसिकली आइसोलेटरल क्या होता है और कंपाउंड मूवमेंट, पिन लोडेड में ज्यादातर कंपाउंड मूवमेंट होता है, वो होता है दो से ज्यादा मसल्स आपके जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्सरसाइज करने के दौरान। सपोज कीजिए आप पैक डेक फ्लाई चला रहे हैं, तो पैक डेक फ्लाई में आपके चेस्ट के डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब आप हैमर मशीन्स पे चेस्ट करते हो तो आइसोलेटरल, जैसे आपको अपर चेस्ट को टारगेट करना है तो अपर, लोअर को टारगेट करना है लोअर, और होल चेस्ट को टारगेट करना है तो होल चेस्ट। ऐसे ही बाइसेप्स में भी होता है कि लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, अलग अलग जो मसल्स होते हैं उनको टारगेट करना होता है। फ्रीवेट मशीन्स पे प्लेट लोडेड मशीन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली किया जा सकता है। तो ये कारण है बेसिक जो बहुत ट्रेंडिंग में है। अब मैं आपको एक एक करके मशीन्स दिखाऊंगा, प्लेट लोडेड मशीन्स। पहली जो मशीन है वो है चेस्ट विद लेट पुल डाउन हैमर। देखिए ये ड्यूअल मशीन है, इधर से आप चेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये अपर चेस्ट को टारगेट करता है आपको, वो इसलिए क्योंकि देखिए ये सीट टिल्ट है, तो जब भी आप इस पर एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो यह आपका जो हैंडल है वो चिन तक जाएगा, ये अपर चेस्ट को टारगेट करता है। और दूसरी साइड में जो आप देख रहे हो बैक साइड में, वो लेट पुल डाउन है, तो रिवर्स लेट पुल चलता है। रिवर्स कहने का मतलब कि जब भी आप हैंडल अपनी तरफ पुल करोगे आप, तो आप इस तरीके से पकड़ोगे हैंडल को, इस तरीके से, तो ऐसे चलेगा ये। तो मूवमेंट इसमें बिल्कुल आइसोलेटरल है, जब भी आप इसको पकड़ते हो, लेट पुल डाउन चलाते हो, तो लेट पुल डाउन क्या होता है, आपके ऐसे वाइड आएगा नीचे और ऊपर जाके क्लोज, तो आपके बिल्कुल लेट पे इम्पैक्ट आएगा। और चेस्ट में भी ऐसा ही है, चेस्ट जब आप चलाते हो तो अपर चेस्ट टारगेट करेगा, आगे जाके स्क्वीज नैरो हो जाएगा और नीचे जाके वाइड हो जाएगा। चलाएगा एक ही यूज़र, ड्यूअल मशीन ज़रूर है लेकिन एक यूज़र इस पर यूज़ करेगा, लेकिन दो बॉडी पार्ट कवर हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही हेवी मशीन है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है शोल्डर हैमर। ओवरहेड प्रेस होता है ये शोल्डर हैमर। तो शोल्डर हैमर आपको वाइडली यूज होते हैं, जैसे शोल्डर की आप पिन लोडेड ना मशीन लेके और फ्रीवेट ले सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि कॉस्ट कम जाएगी, मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है इसकी, क्योंकि देखिए सिंगल सिंगल हैंडल चलते हैं। अगर आपको सिंगल भी पुश करना है हेवी वेट लगा के और सिंगल लिफ्ट करना है, तो आप दोनों इंडिविजुअली भी चला सकते हो, और ऊपर जाके ये नैरो हो जाता है, तो बिल्कुल स्क्वीज होता है शोल्डर। तो जैसे कि पिन लोडेड पे आप 12 रैप 15 रैप करते हो, वही इफेक्ट इस पे 8 रैप 7 रैप पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो एक तो आपका टाइम बचता है, ऊपर से आपको मज़ा बहुत आता है एक्सरसाइज करने में। इनको बनाने में डिज़ाइनिंग बहुत परफेक्ट चाहिए, क्योंकि मूवमेंट अगर ख़राब हो गई तो इसको चेंज नहीं कर सकते, आपकी फिक्स्ड बेयरिंग पे होती हैं। जो भी यहाँ देख रहे हैं आप, ये सब बेयरिंग्स लगे हुए हैं, बहुत हाई क्वालिटी बेयरिंग्स लगे हुए हैं। तो हम लोग ये ब्रैकेट बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, केमी बेयरिंग्स का। तो ये क्या होता है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कभी भी इसमें प्लेन आए फ्यूचर में, और ये फिक्स्ड रहता है, और इसकी गारंटी वारंटी भी बहुत प्रॉपर लॉन्ग टर्म होती है। सीट एडजस्ट कर सकते हो आप, ये जो सीट का पोजीशन है ये अप एंड डाउन हो सकता है, ताकि किसी यूज़र की हाइट ज़्यादा हो कम हो, अपने अकॉर्डिंग वो मूवमेंट अपने बॉडी के पोस्चर के हिसाब से इस पर एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है चेस्ट प्रेस हैमर। तो सीटेड चेस्ट प्रेस हैमर होता है। हैमर जब भी मैं बोल रहा हूँ आपको, तो ये समझिए कि प्लेट लोडेड मशीन है, यानी अलग से प्लेट डाल दी है इसमें, इसमें फिक्स पिन लोडेड वेट नहीं होता, आपके अपर चेस्ट को टारगेट करता है ये, क्योंकि आप सीट देख रहे हैं टिल्ट है पीछे की तरफ, ये सीट भी टिल्ट है, तो आप अपर चेस्ट को, ज़्यादातर क्या होता है कि अपर चेस्ट की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लोअर चेस्ट तो आपको पुशअप से भी इफेक्टिवली बन जाता है। मिडिल के लिए बहुत लोग अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, लाइक होल चेस्ट के लिए पैक डेक फ्लाई करते हो या बेंच प्रेसेस भी करते हो, तो मिडिल चेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है वो पार्ट, लेकिन अपर चेस्ट को बहुत ज़्यादा रिग्रेसली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इसलिए उसकी इंडिविजुअल मशीन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो चेस्ट पे हैमर है, मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त है, ये भी आगे जाके आपके चिन तक यानी नैरो होता है और पीछे वाइड, तो आपको इफेक्ट जो है बिल्कुल चेस्ट पे ही आता है, कोई इधर उधर डाइवर्जन नहीं होती, आइसोलेटरल मूवमेंट है। ये जो आप देख रहे हैं, ये रबर जो आप देख रहे हैं, जहाँ स्टॉपर है इसका, जैसे यहाँ आके स्टॉप होता है, तो ये भी इम्पोर्टेड लगाया गया है, ताकि बार बार वेट के साथ पीछे आए तो ये कटे ना कभी फ्यूचर में। तो काफ़ी हेवी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। एक्सेसरीज आप जानते हैं कि सब इम्पोर्टेड यूज़ होता है, पाउडर कोटिंग विद ट्रीटमेंट होता है, सीट वगैरह की जो सिस्टम है वो लेदर सारा इम्पोर्टेड होता है। लाइव देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं सिर्फ बोल ही नहीं रहा,
है क्या चीज़ वो दिखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है बाइसेप्स कर्ल हैमर। तो ये देखिए, आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाके सर्च कीजिए बाइसेप्स कर्ल हैमर, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बाइसेप्स कर्ल हैमर हमारे पास दो तरीके से डिज़ाइन करके बनाई जाती है। एक तो ये है, पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल पिन लोडेड का ही आपको एक्सरसाइज में जो इफ़ेक्ट आती है वही इफ़ेक्ट इसमें भी आती है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं एक तरीके से पिन लोडेड मशीन ही चला रहा हूँ, पर प्लेट लोडेड है, यानी एमएस वेट ना होके इसमें अलग से आप प्लेट पुट करके और चला सकते हैं। सो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है आइसोलेटरल बाइसेप्स कर्ल हैमर। प्लेट लोडेड मशीन है। मैंने जब आपको बताया था कि जब भी मैं हैमर बोलूं तो ये समझ लीजिए कि प्लेट लोडेड मशीन है, यानी अलग से प्लेट लगा के एक्सरसाइज करनी है। तो ये उस मशीन से बिल्कुल ही अलग है, इसमें आइसोलेटरल मूवमेंट है, यानी आप सिंगल हैंड से इस पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी प्राइस कम है और हेवी है बहुत, मेंटेनेंस फ्री है, सिर्फ बेयरिंग पे ऑपरेटेड है, सीट वगैरह एडजस्टेबल है, तो आप अपने पोस्चर को जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहें वहाँ करके एक्सरसाइज इफेक्टिवली कर सकते हो। इसकी पूरी वीडियो बनी हुई है विद एक्सरसाइज विद मटेरियल एक्सप्लेन्ड, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे आइसोलेटरल बाइसेप्स कर्ल हैमर तो ये मशीन आपको दिख जाएगी और उसमें पूरी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है लेटरल रेज हैमर। एज अ जिम ओनर आपको सोचना पड़ेगा कि जो लोगों की डिमांड है वो फुलफिल करें, तो ये मशीन आप जिम में रख सकते हो। इसकी भी वीडियो बनी हुई है, दो तरह से डिजाइन करके हम लोग बनाते हैं, एक सीटेड स्टैंडिंग। तो ये स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है क्योंकि इसमें क्या होता है, फोर्स बहुत अच्छा जनरेट होता है। अगर आप वेट लगाओगे इसमें, यहाँ वेट पुट होता है और फोर्स बिल्कुल फ्री है, मतलब आप शॉर्ट बंदा हो या लॉन्ग बंदा हो, वो यूज़र की हाइट कुछ भी हो, बहुत ईजिली इस पर एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री मूवमेंट है। प्लेटफॉर्म वगैरह बहुत ही हेवी दिया हुआ है कि कितना भी हेवी बंदा हो अपना ईजिली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके। डिजाइन भी कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा जिम में स्पेस नहीं लेता, ये भी ट्रेंडिंग है, इसके लिए भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है शक्स हैमर। तो शक्स हैमर हमने कुछ अलग ही डिज़ाइन करा है। इस पे आप तीन तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, यानी तीन बॉडी पार्ट का। एक तो आप इसमें लंजेज एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, मतलब आपके जिम में अगर स्पेस कम है, और लंजेज में आपको पता है कि लोग एक कोने से दूसरे कोने में डंबल के थ्रू करते हैं, तो अगर स्पेस नहीं है या जिम रश आवर में जो क्या होता है सुबह और शाम को जिम में भीड़ रहती है और उसमें किसी को एक्सरसाइज परफॉर्म करानी है थाई की, तो आप क्या करोगे, ये मशीन रख सकते हो आप। इसमें बिल्कुल इफेक्टिवली आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। फिर इसमें जो सेकेंड एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे वो श्रक्स करोगे, यानी आपकी ट्रेपेजियस की एक्सरसाइज। तो आपके ट्रैप्स की एक्सरसाइज बहुत ईजिली हो जाती है, मूवमेंट फ्री है। ये जो आप हैंडल देख रहे हो ये मूवेबल है, आप ऐसे भी मूव होता है और ऐसे भी मूव होता है, तो आपको क्या होता है कि रिस्ट में पेन भी ना हो और अपने पोस्चर के हिसाब से आप इसको फ्रंट से पकड़ के आप और ट्रैप्स कर सकते हो या साइड से पकड़ के भी आप ट्रैप्स कर सकते हो। तीसरा जो एक्सरसाइज होता है वो बेंट रो भी कर सकते हो आप, एक बेंच का उपयोग करके, फ्लैट बेंच का उपयोग करके, और आप बेंट रो यानी बैक की एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें रोइंग भी होगी आपकी एंड आपका श्रक्स भी हो गया, यानी ट्रेपेजियस की एक्सरसाइज भी हो गई और लंजेज भी हो गए। तो तीन तरह की एक्सरसाइज परफेक्टली कवर करता है ये। डिज़ाइन कॉम्पैक्ट है, आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, और लड़के आपके जिम में जो भी मेंबर है बहुत पसंद करेंगे इस मशीन को, तो आपको आप इसको अपने जिम का पार्ट बनाना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है, यूनिक भी, हर एक जिम में देखने को भी नहीं मिलता। इनवाइट करता हूँ आप आके चेक कर सकते हो एक एक चीज़ों को जो भी मैंने आपको बताया। एक इसमें और भी है सिस्टम कि आप इसको इंडिविजुअली भी चला सकते हो, मतलब सिंगल हैंड से भी, यहाँ पे इसका सिस्टम दिया हुआ है, आप इसको सिंगल हैंड भी चला सकते हो। अगर ड्यूअल चलानी है ड्यूअल, और सिंगल चलानी है तो सिंगल भी चला सकते हो। तो कुछ ये ट्रेंडिंग मशीन्स थी हैमर सीरीज़ के अंदर, जिसको आपको अपने जिम में ज़रूर रखना चाहिए। ये जो भी मशीन्स मैंने आपको दिखाई, इनकी आपको अगर कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉल का व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहाँ जाके और हमें इंक्वायरी कर सकते हो, फिर आपको पूरी डिटेल इसकी दी जाएगी, क्या प्राइसिंग है और किस तरीके से डिज़ाइन है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू सो मच।